पीलीभीत उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। हरे भरे जंगलों से घिरे हुए यूपी के पीलीभीत को जंगलों का शहर भी बोला जा सकता है। यह शहर अपने घने जंगल, टाइगर रिजर्व और बांसुरी निर्माण के लिए जाना जाता है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की 95% बांसुरियों का निर्माण यूपी के पीलीभीत में होता है। इसी कारण से इस जिले को बांसुरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रोयलगंज क्षेत्र में स्थित यह ऐतिहासिक जिला बरेली मंडल के सबसे उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। पीलीभीत यूपी का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर भारी मात्रा में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, इसीलिए इसको मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। सन 1869 में यूपी के पीलीभीत को बरेली मंडल से अलग करके इस शहर को एक नए जिले का दर्जा दिया गया। पीलीभीत जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। पीलीभीत के उत्तर में उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जिला, दक्षिण में शाहजहांपुर जिला, पूर्व में लखीमपुर जिला तथा पश्चिम में बरेली जिला स्थित है। लगभग 3686 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए पीलीभीत जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 20 लाख से ऊपर थी। आबादी के लिहाज से पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश का 46वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से पीलीभीत जिले में 71% हिंदू, 24% मुस्लिम, 0.17% सिख, इसके अलावा 4% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। पीलीभीत जिले की साक्षरता दर 61.5% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71% और महिला साक्षरता दर 50% है। पीलीभीत जिले में कुल 5 तहसील मौजूद है, जिनमें पूरनपुर, कलीनगर, पीलीभीत, अमरिया और बीसलपुर शामिल है। पीलीभीत जिला आज भी अपने अंदर कई सारे इतिहास को छुपाए बैठा हुआ है। पीलीभीत जिले की स्थापना कब और किसने की, इस पर आज भी कई सारे इतिहासकारों का आपसी मतभेद जारी है। मध्यकालीन युग में खागरा नदी के किनारे पुराना पीलीभीत नाम का एक गाँव हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि इसी गांव के नाम पर इस ऐतिहासिक जिले का नाम पीलीभीत पड़ा। जिले के नाम की उत्पत्ति पीली प्लस भीत से हुई है। स्थानीय भाषा में भीत का अर्थ होता है मिट्टी की दीवार। कहा जाता है कि पहले यह जिला पीली मिट्टी की दीवार से चारों तरफ से घिरा हुआ था, इसी कारण से इस जिले का नाम पीलीभीत पड़ा। इसके अलावा महाभारत काल के दौरान इस जिले पर मयूर ध्वज नाम के राजा का शासन हुआ करता था, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। गणेश चतुर्थी मेला। पीलीभीत शहर के रामलीला मैदान में लगने वाला गणेश चतुर्थी मेला आज से लगभग 35 साल पुराना है। कहते हैं कि इस मेले की असली धमक मराठाओं के समय में हुआ करती थी। आपको बता दें कि ये मेला पूरे एक महीने तक चलता है। मेले की असली सुंदरता तो रात के समय ही देखती बनती है। अगर आप भी पीलीभीत या फिर कहीं आस पास रहते हैं तो इस मेले में एक बार जरूर आए। आवागमन के दृष्टिकोण से पीलीभीत जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, पीलीभीत शहर के माल गोदाम रोड पर मौजूद है पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन शहर का इकलौता और मुख्य रेलवे स्टेशन है। पीलीभीत जंक्शन भारत का चौथा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन भी है, जिसकी लंबाई लगभग 900 मीटर से भी ज्यादा है। ये रेलवे स्टेशन पीलीभीत लखनऊ लाइन, पीलीभीत बरेली लाइन और पीलीभीत टनकपुर लाइन पर मौजूद है। शक्तिनगर टर्मिनल एक्सप्रेस, बरेली पीलीभीत पैसेंजर, पीलीभीत एक्सप्रेस जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियां पीलीभीत जंक्शन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग, पीलीभीत शहर के फॉरेस्ट ऑफिस के पास में मौजूद है पीलीभीत बस अड्डा। पीलीभीत शहर का ये बस अड्डा अपने सड़क मार्ग के जरिए बरेली, लखनऊ, मुरादाबाद, दिल्ली जैसे कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप इस शहर तक पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग, बरेली शहर के मुड़िया अहमद नगर इलाके में स्थित बरेली हवाई अड्डा पीलीभीत शहर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। ये हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर जैसे कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप पीलीभीत शहर तक पहुंच सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में पीलीभीत शहर से जुड़ी कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको हैरान करके रख देंगी। पीलीभीत जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। गेहूं, धान, गन्ना, बाजरा और मक्का जिले की मुख्य फसलें हैं।
शहर के उद्योगों में चीनी मिल उद्योग, फर्नीचर उद्योग व कई सारे छोटे मोटे उद्योग मौजूद हैं। इसके अलावा जिले में भारी मात्रा में नक्काशीदार बर्तनों का निर्माण भी किया जाता है, जिसको बड़े पैमाने में नेपाल में भी निर्यात किया जाता है। पीलीभीत जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी पीलीभीत शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना पीलीभीत शहर का भ्रमण अधूरा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। शारदा और घाघरा जैसी विशाल नदी से घिरा हुआ यह टाइगर रिजर्व हिमालय के तलहटी में मौजूद है। लगभग 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ पीलीभीत का यह टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्वों में से एक है। इस टाइगर रिजर्व में लगभग 36 टाइगर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर बंगाली टाइगर, दलदली हिरण, जंगली तेंदुआ, बारासिंगा जैसे कई जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं। गौरी शंकर मंदिर। पीलीभीत जंक्शन से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। लगभग 450 साल पुराना यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। हर वर्ष शिवरात्रि और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। स्थानीय पर्यटकों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। चूका बीच। पीलीभीत शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है चूका बीच। घने जंगलों से घिरा हुआ पीलीभीत का चूका बीच लगभग 14 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। चूका बीच के अंदर से निकलने वाली शारदा नदी समुद्र की लहरों का एहसास कराती है। इसके अलावा आप यहाँ रात बिताने के लिए हाउस ट्री भी बुक करवा सकते हैं। छठवी पादशाही गुरुद्वारा। पीलीभीत जंक्शन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है छठवी पादशाही गुरुद्वारा। लगभग 400 साल से ज्यादा पुराना यह गुरुद्वारा पीलीभीत के सबसे प्रमुख गुरुद्वारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने नानक मत्ता जाने से पहले इसी स्थान पर विश्राम किया था। हर साल गुरु गोविंद सिंह जयंती के पावन अवसर पर यहाँ पर विशाल लंगर का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। जामा मस्जिद। पीलीभीत जंक्शन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जामा मस्जिद। लगभग 250 साल पुरानी इस मस्जिद का निर्माण मुगल काल में हाफिज रहमत खान के द्वारा करवाया गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें यहीं पर दफना दिया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद के तर्ज पर बनी यह मस्जिद अपने जुम्मे के नमाज के लिए भी जानी जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।